So hey guys, welcome back to another video of Beast Mantra Vlogs and it's me, your Beast. So आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था प्रो पंजा के जो मैचेस थे उनके लिए एंड मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और क्या चाहिए दोस्तों, बस बहुत अच्छे से गया ये वाला पहला सीज़न। अब होप्स हो कि दूसरा सीज़न भी इतना ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा जाए मेरे लिए। तो गाइज कुछ अपडेट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेन चीज़ क्या है ना, असल में बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना के अपलोड कर पा रहा हूँ इस चैनल में एंड ये एक बड़ा इशू है एंड इनके पीछे जो मेन रीज़न है, इस चीज़ के पीछे जो मेन रीज़न है वो रीज़न क्या है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। असल में दोस्तों मेरे राइट हैंड में ना यहाँ पे टेनिस एल्बो या टेंडनाइटिस पकड़ा गया है, मतलब इंजुरी हो गया है। तो इंजुरी तो यहाँ पे बहुत दिनों से था लेकिन मेरे को ना उतना क्लैरिफाई मैं कर नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट फिजियो से लेके डॉक्टर से लेके कैरोपैट्रिक तक लेके सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया लेकिन ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो रहा है एंड मेरे को लेफ्ट में ग्रिपिंग से लेके पुलिंग तक सब कुछ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कल बाद परसों एक डॉक्टर को दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर है अपने कलकत्ता में, उनको दिखाने वाला हूँ। तो उनको दिखाने के बाद पता नहीं मेरे को क्या रिजल्ट आएगा, तब तो मैं आप लोगों को अपडेट देता ही रहूँगा। उसके पहले मैं आज आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहता हूँ ताकि आप लोग एज ए आर्म रेसलर, अगर आप लोग आर्म रेसलिंग करते हो, आप लोग बिगिनर हो, अगर आप लोग एडवांस हो तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को पता रहेगा ये चीज़। अगर नहीं पता है तो आप लोग ये वीडियो देखो, आप लोगों को पता लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ करना चाहिए वो ये है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी, चाहे वो आपके बोन्स हो, आपके मसल्स हो, कहीं पे छोटा सा भी छोटा पेन है तो उसको आप ओवरलुक मत करो, उसको आप फोकस करो एंड वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आइसिंग करो। अगर एक हफ्ते बाद भी वो फैटिक नहीं जाता तो डॉक्टर को दिखाओ। एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ, वो फिर भी आप लोग डॉक्टर के साथ बात करना सही रहेगा लेकिन मैं फिर भी एज ए प्लेयर आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है कोलाजिन टाइप 2। इसका इस्तेमाल करो क्योंकि आर्म रेसिंग में कोलाजिन टाइप 2 का बहुत बड़ा एक अहम हिस्सा है। तो क्यों है वो आप लोग थोड़ा गूगल में सर्च करके थोड़ा पढ़ाई वगैरह कर लो। एंड उसके साथ साथ जो मैं बोलता हूँ कि जैसे मान के चलो अगर आपको दर्द है तो हेवी पुलिंग या टेबल में हेवी टेबल प्रैक्टिस मत करो, या तो कोई भी मैच मत खेलो, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस सेशन मत रखो, लाइट के ऊपर प्रैक्टिस करो, ओवरऑल बॉडी वेट को ट्रेन करो। लेकिन इंडिविजुअल ऐसे अपने जो हाथ है या उसके जो टेंडन्स है, मसल्स है, उसको उतना ज़्यादा फैटिक मत होने दो, उसको रिकवर होने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और उसके साथ साथ अच्छे से अच्छा डाइट लो और उसके साथ रिकवरी जो रेस्ट है वो जितना ज़्यादा हो सके उतना लो, क्योंकि उसी से हम लोगों का जो इतने बड़े बड़े इंजुरी है ये रिकवर होते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने के पीछे मेन जो मोटिव था यही था कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज ऑफ माई पेन। मेरे को इसके पीछे इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, आज ये फिजियो, कल वो डॉक्टर, कल वो कैरोपेट्रिक, कल वो ऑर्थोपेडिक, बहुत सारे डॉक्टर मैंने दिखाए लेकिन अभी तक मैं रिज़ल्ट बोलूँगा ज़ीरो है। बहुत सारे अच्छे अच्छे फिजिशियन दिखाए, जो लोग मेरे को अच्छे से रिहैब भी बोल दिए कि रिहैब करने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पेन मैं अपने लास्ट जो मथुरा नेशनल्स हुआ था पाफी का वहाँ से लेके भुगत रहा हूँ। अभी मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने शायद जिक्र भी किया इस दर्द का, तो आप लोगों को पता है कि ये दर्द को लेके मैं अब सह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ भी करे लेकिन इसको कैसे भी करके इसको हटाना है एंड ये कैसे हटेगा नहीं हटेगा उसको लेके तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब परसों मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा एंड वहां से जब लौटूंगा उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला नहीं बोला उसको लेके भी आप लोगों को एक बहुत ही तगड़ा वाला कंटेंट वाला वीडियो मैं लाने की कोशिश करूंगा। एंड अभी के लिए जो मेन बात है वो है कि इंजुरी से बचो, क्योंकि अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक आर्म रेसलिंग खेलना है या आर्म रेसलिंग को लेके आप लोग फ्यूचर देख रहे हो या सोच रहे हो तो हाथ को भी रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको रिकवर होने के लिए मतलब टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओगे अपने दर्द को या अपने इंजुरी को आप लोग ओवरलुक करके निकल जाओगे तो वो इन फ्यूचर आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड इससे भी बड़ी बात जो है वो है शायद आप लोग फ्यूचर में उतना सही खेल नहीं पाओ, क्योंकि अगर इंजुरी बढ़ते बढ़ते इस जगह में चले जाए कि वो रिकवर ना ही हो पाए या टाइम ज़्यादा ले या तो बहुत खर्चा हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अपने जो ये है इंजुरी है उसमें पूरा आप लोग ध्यान रखो, जितना कम हो सके जब इंजुरी में आप लोग प्रैक्टिस कम करो, पुलिंग कम करो, आइसिंग वगैरह करो, ये सब करो। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना एंड उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना।
और उसके बाद नए अपडेट के लिए 2-3 दिन इंतजार करो, क्योंकि 2 दिन बाद तो मैं डॉक्टर के पास जा ही रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर क्या बोलते हैं वो जान के आप लोगों को करंट अपडेट दे दूंगा। तो चलो भाई गाइस, साइनिंग ऑफ बीस मंत्रा व्लॉग्स।